my name is Dr. Ahmad. I have graduated from Punjab Medical College, Faisalabad, and joined Lahore General Hospital for training of neurosurgery. Neurosurgeon, jitne bhi operative problems hain brain ke aur spine ke, wo neurosurgeons deal karte hain, aur jo medical related issues hain, wo neurologists ke domain mein aate hain. Success rate, कोई भी जितने भी प्रोसीजर हैं अगर आपको there are standard indications for every procedure. कि अगर आपको ऑपरेशन के लिए कहा जाता है उसकी इंडिकेशन है. इंडिकेटेड केसेस में जो ऑपरेशन बताया जाता है अगर उसका सक्सेस रेट 80% प्लस नहीं है तो वो अप्रूव्ड प्रोसीजर में कंसिडर ही नहीं होता. सो वेरी हाई सक्सेस रेट इन स्पाइनल सर्जरी केसेस इफ they are done in a properly indicated patients. Patient selection is important. और जो उसकी primary disease है चंद cases में वो भी outcome खुद से decide करती है. Cervical spine के 90% तो non-operative group हैं और 10% they end up in a surgery. वो भी बहुत कम है. मतलब 100 patients में से अगर आप 10 operate कर रहे हैं उसमें 90 treatable है. Sagittal balance है आपका neck का, वो एक natural curve है. अगर आप उस कर्व को डिस्टर्ब करेंगे किसी भी वजह से, इफ़ यू हैव अ बिग टमी एंड इट इज़ पुलिंग ऑन योर स्पाइन सामने है तो बैक मसल स्ट्रेन हो गया अंदर और कंटिन्यूस पेन में रहेगी. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी स्ट्रेंथनिंग हुई है बैक मसल्स की तो आपको ये जो पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है ये कम होता है. जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त जो कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा देर काम करते हैं उनके पोस्चर की वजह से झुकने की वजह से दे आर अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ डेवलपिंग सर्वाइकल पेन. नेक पेन, बैक मसल्स हर वक्त उनको स्ट्रेच में रहते हैं और प्रोलॉन्ग उनको ये प्रॉब्लम रहता है. ऐसे ही जैसे हमारे घर की ख़वातीन हैं अगर वो झुक के बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं तो उनको भी बैक में मुसलसल दर्द की शिकायत रहती है जो सिर्फ उनके पोस्चर रिलेटेड है. इवन सर्जन्स भी हैं, हम अगर अपना पोस्चर ड्यूरिंग सर्जरी ठीक नहीं रखते तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है. दिस इज पोस्चर रिलेटेड वर्क हैज़र्ड आप कह लें. इनको अवॉइड किया जा सकता है विद गुड नॉलेज और लिटिल अटेंशन. अब स्पाइन के हवाले से बात करें, आपके वर्टेब्रा छोटे छोटे वर्टेब्रा इंटर वर्टेब्रल दरमियान में डिस्पेसिस हैं, अगर आपने ये किया है देर ऑलवेज आर चांसेस के उसमें अगर पेशेंट प्रोन है डेवलपिंग डिस प्रॉब्लम तो उसको एक के ऊपर दूसरे लेवल पे भी हो सकती है. बड़ा रेयर है, लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस जिनमें अगर आप प्राइमरी सर्जरी कर रहे हैं और आपने बड़ी लिमिटेड सर्जरी की है तो उस लेवल पे आपको प्रॉब्लम दोबारा डेवलप होता है. लॉन्ग टर्म में स्टीनोसिस और 10-15 साल के बाद स्टीनोसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं. वो उसी लेवल की अगर सर्जरी के हवाले से हम बात करें तो बहुत कम है नंबर, लेकिन है, लेकिन उससे रिलेटेड उससे ऊपर या उससे 2-3 लेवल ऊपर दोबारा प्रॉब्लम, नए सिरे से नया प्रॉब्लम होगा तो पुरानी सर्जरी से रिलेट नहीं करेंगे. अगर आपको स्पाइन या ब्रेन के हवाले से किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है और उस पर अगर आप ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप आराम के थ्रू मेरे से रब्ता कर सकते हैं.